वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आज आप लोग देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंटी ड्रेसेस की वीडियो। जो ड्रेसेस आज तक आपने अपनी लाइफ में शायद ना देखे हों, पर आज आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और आप देखें, अभी एक फंक्शन हुआ है गेट माला, उसमें सारी गर्ल्स ने कैसे एंटी ड्रेसेस पहने हुए थे, जो शायद आपने ना देखा हो अब तक। आप वो गेट माला सर्च करें और उसमें आप गर्ल्स के ड्रेसेस चेक करें, कितने ज़्यादा एंटी ड्रेसेस हैं और जिसके सबसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस होता है उसका फिर अवार्ड एंड चेक मिलता है। आप देखें पर आपके ड्रेस कितने ज़्यादा खूबसूरत एंड एंटी ड्रेसेस की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखें, फाइन स्टाइल की एंटीक ड्रेसेस भी है। आप देखें सारे के सारे ड्रेसेस कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, टेल स्टाइल के हैं। एंड तक वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको आइडियाज़ मिलने वाले हैं आज की वीडियो में। जो ड्रेसेस आपने शायद अब तक ना देखे हों, क्योंकि एंटीक ड्रेसेस हैं, जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव भी होंगे। एंटीक की तो होती ही वैसे भी एक्सपेंसिव ही हैं। आप देखें मेरी वीडियो में, पर आज आपको कितने ज़्यादा प्यारे ड्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। आप ये देखें, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो गर्ल मूवी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड में भी देखा होगा, गर्ल्स कितने एंटीक ड्रेसेस पहनती हैं ज़्यादातर ड्रामों में, फिल्मों में। आप देखें आज मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत एंटीक ड्रेसेस की वीडियो लेकर आई हूँ। और सारे के सारे ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा कमाल है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कज़न्स के साथ, सबके साथ मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सकें, जिस तरह से आप लोगों को मिल रहे हैं। और आप देखें, जब आप ये ड्रेस पहनते हैं तो आप इतने प्यारे लगते हैं, और इसके ऊपर आप करवाएँ इतना प्यारा सा हेयर स्टाइल बनवाएँ और इतना खूबसूरत मेकअप करवाएँ, फिर तो आप देखें आप कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो में एंटीक ड्रेसेस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस कौन सा लगा है। और अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं, या आप आराम से कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ऐसी ड्रेसेस आपको कौन सी जगह से मिलेंगे। और आपने देखा होगा बाहर मुल्क जो हैं, जैसे इंग्लैंड, तुर्की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऐसी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसे ड्रेसेस उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो ऐसे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद करते हैं और उन पर बहुत अच्छे भी लगते हैं ऐसे ड्रेसेस। आपने देखा होगा, ये देखें आप कितना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज ब्रेसलेट एंड नेकलेस पहना है, तो कितना खूबसूरत लग रही हैं। ये डमी है, पर डमी भी आप देखें, आप पहने या डमी पहने बात तो एक ही है आप पर। ये देख सकते हैं, जैसे ये डमी में इसलिए लगाए होते हैं ताकि आप देख लें कि जब आप इसको पहनेंगे तो कैसा लगेगा। वैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे पेजेस बने होते हैं इन चीज़ों के, ज़्यादातर ड्रेसेस के, एंटी ड्रेसेस के, ब्रेसलेट्स के। आप वहाँ से भी मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, पर आपकी भलाई इसमें है कि पहले आप उस चीज़ को अच्छी तरह देखें फिर परचेज़ करें। इसलिए आपकी भलाई इसमें है कि आप पहले जाएँ मार्केट और चीज़ को देखें और फिर परचेज़ करें, इसमें आपकी भलाई होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो आप पेजेस से चीज़ें मंगवाते हैं ज़्यादातर ख़राब भी आ जाती हैं, बट ज़्यादातर हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा अच्छी आ जाती हैं, बट वो ज़्यादातर जो होती हैं वो ख़राब ही निकलती हैं। पर आज आप मेरी वीडियो में देखें, आपको कितने ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के सूट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे ड्रेसेस देखने को आपको मिल रहे हैं। एंड तक वीडियो देखें, बहुत अच्छे अच्छे एंटीक डिज़ाइन और भी आपको देखने को मिलेंगे, जो शायद आपने आज तक ना देखे हो। आप देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं ये स्टाइल, कितने प्यारे इसके स्टाइल्स हैं। इसके ऊपर आप पहने हाई हील पम्प, आप इतने ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ये देखें, ब्लैक कलर का है नेट का, इसके ऊपर वो भी है, जब आप जूड़ा या हेयर स्टाइल बनाए तो अपने सर में लगाएं, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देखें, टेल स्टाइल ब्लू कलर का है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बस थोड़ी सी इस्त्री की ज़रूरत है इस पर। आप पर आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इन कपड़े पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मेहनत से इस्त्री होती है, बहुत मुश्किल से आयरन किए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देखें इतना बड़ा एक कपड़ा है, अब उस कपड़े पे जब आप आयरन करते रहेंगे तो हाथ में भी दर्द होता है और इस्त्री भी सही नहीं होती। पर इसलिए अगर आप मार्केट से आयरन करवाएं अपने ड्रेसेस तो इसमें आपका फ़ायदा रहता है, ड्रेसेस भी अच्छे आयरन हो जाते हैं और सलवटें भी नहीं रहती। आप मेरी वीडियो में आप मुझे बताना मत भूलेगा कि आपको सबसे अच्छा ड्रेस आज की वीडियो में कौन सा लगा है। और अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए, मैंने नहीं अपलोड की हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ की वीडियो ज़रूर बना के दूँगी इंशाल्लाह।
ईद भी आने वाली है, अगर आपको ऐसे ड्रेसेस ईद पर बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर आप ये स्टिच करवाना चाहें अपने टेलर से तो स्टिच भी करवा सकते हैं। अगर ऐसे ड्रेसेस आपको ख़ुद को भी सिलना आते हैं तो आप ख़ुद भी स्टिच कर सकते हैं। वैसे ही रेडीमेड ही अगर आप लोग लें तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो आप स्टिच करते हैं तो। अब अगर वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड कज़न्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। और अगर आपके कज़न्स को, फैमिली मेम्बर्स में से किसी को या फ्रेंड्स में से किसी को अगर ऐसे ड्रेसेस पसंद है तो उनके साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनको अगर ऐसे ड्रेसेस पसंद है तो उनको मेरी वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सकें। और उनसे, उनको भी अगर किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताते हैं, बना के दे दूँगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह अपना।